बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारी लगातार शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में ही जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरबा पहुंचे, इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बैठक बालोद में हो रही है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण राव साव सहित भाजपा के दिग्गज नेता बालोद पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। भाजपा के नए जिला कार्यालय के निर्माण का निरीक्षण कर पुराने बस स्टैंड स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पत्रकार वार्ता लेते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। मामले में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से खास बात की हमारे सहयोगी राहुल भूतड़ा ने। अरुण साहू जी बालोद पहुंचे हैं और बालोद पहुंच करके आज 2023 मिशन को लेकर जिले के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने वाले हैं। अध्यक्ष जी, 2023 नजदीक चुनाव आ चुका है, आज बालोद आपका पहला जिला है जहां से आप जिले स्तरीय बैठक स्टार्ट कर रहे हैं, क्या मंत्र दे के जाना चाहते हैं यहां के कार्यकर्ताओं को? देखिए, मैं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद पूरे प्रदेश में विभिन्न जिलों में जाना हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। राज्य की जनता इस सरकार से छुटकारा चाहती है। इस अन्यायी सरकार, इस अत्याचारी सरकार, इस भ्रष्टाचारी सरकार, धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली सरकार, अपराध को बढ़ावा देने वाली सरकार, ऐसी सरकार से ये छत्तीसगढ़ की जनता मुक्ति चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है छत्तीसगढ़ की जनता को इस अन्यायी अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए, और उसी मिशन में हम निकले हुए हैं। थोड़ी बहुत गुटबाजी की जो बातें आती हैं उसको लेकर क्या कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे आप? भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सब कमल का निशान और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2023 का जो चुनाव के मिशन को लेकर वो जिले में आज आए हैं और जिले में कार्यकर्ताओं को जो चार्ज करेंगे, निश्चित तौर पे वो जो है कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए निकल चुके हैं। INS 24/7 के लिए बालों से राहुल भूतड़ा।